हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोम्स कोका नेचुरल डेली फेस टोनर विटामिन सी एंड विद नियासिनामाइड। इट मीन्स की विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी इसके मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं। और टोनर हमारी स्किन केयर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम अपना डेली स्किन केयर रूटीन करते हैं तो उसमें टोनर का होना मस्ट है, बिकॉज टोनर हमारी स्किन के हमारे फेस पर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उन्हें मिनिमाइज करता है एंड हमारी स्किन का जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है उसे रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। तो टोनर का आपके स्किन केयर रूटीन के जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें होना काफी जरूरी है, बिकॉज ये हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल है। मैंने ऑर्डर किया था स्मीटन से, एंड स्मीटन से मैंने ये वन ट्रायल पॉइंट्स में ऑर्डर किया है। लेकिन अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको छोटे वाला पैक, अगर आप ट्रायल के तौर पर आप ट्राई करना चाहते हैं कि ये आपको सूट करेगा या नहीं, तो आपको ये इनकी वेबसाइट पर द मोम्स को की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। एंड वहाँ इसका प्राइस है 94 रुपीज़, अभी मैंने चेक किया। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बड़े वाला पैक ऑर्डर कीजिए, बिकॉज ये इसकी क्वांटिटी है 25 ml, जो कि 94 रुपीज़ का आपको मिलेगा इसकी वेबसाइट पर। लेकिन अगर आप बड़े वाला पैक परचेज करते हैं तो वो आपको 160 या 170 का 100 ml मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप बड़े वाला पैक ऑर्डर कर लीजिए। एंड इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सभी इसकी बैक साइड में मेंशन है, कैसे इसे यूज करना है, इसको यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो सभी चीजें इसके बैक साइड में मेंशन है। भले ही ये छोटी सी पैकिंग हो लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ दी गई है। एंड इस तरह की इनर पैकेजिंग में ही मेरे पास आया, आउटर पैकेजिंग कुछ नहीं थी। एंड ये पंप में है। मैं पसंद करती हूँ टोनर के बेस पर, तो मैं स्प्रे वाले ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये मेरे पास पंप में ही आया। लेकिन मुझे ट्राई करना था तो मैं इसे कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन मैं अभी आपको इसके इंग्रेडिएंट बताऊं तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिनमें से मतलब बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ आपको बता देती हूँ। प्योरीफाइड वाटर, एलोवेरा लीफ जूस, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट विच हेजल, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, शुगर, मेपल एक्सट्रैक्ट, शुगर केयर एक्सट्रैक्ट एंड जैस्मिन एक्सट्रैक्ट, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं। लेकिन इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट है, सुपर की इंग्रेडिएंट है, वो है विटामिन सी, नियासिनामाइड, ग्रीन टी, एलोवेरा जूस। और ये अल्कोहल फ्री टोनर है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इससे आपकी स्किन को किसी भी तरह की सेंसेशन नहीं होती, किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होती। एंड ये हमारी स्किन के पोर्स को तो मिनिमाइज करता है ही, साथ ही साथ ये हमारी स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको भी बैलेंस करके रखता है। एंड ये हमारी स्किन को स्मूथ एंड हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को सूदिंग बनाता है, एंड हमारी स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है उसे एलिमिनेट करता है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। तो आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, अगर आप मेकअप करते हैं मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं, आपका जो मेकअप से पहले सीटीएम रहता है आप उसे में इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप स्किन केयर रूटीन जो डेली यूज करते हैं, डेली फॉलो करते हैं, आप डेली उसमें यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंड नाइट में। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी, ये तो पंप में आया है, अगर स्प्रे वाला होता तो जस्ट मैं ऐसे स्प्रे करके उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देती है, स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता। लेकिन ये पंप में है तो मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से आपको कॉटन पैड पर लेना है इसका कुछ अमाउंट। एंड ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी भी तरह का कोई भी कलर एडिड इसके अंदर नहीं है। इसकी कुछ जो ड्रॉप्स हैं आपको कॉटन पैड पर लेनी है, और जस्ट आपके यहाँ पर जो है ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं, तो फर्स्टली आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है। इस तरह से आपको डैप टैप करके अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। एंड आपको इसे फेस पर छोड़ देना है, कुछ सेकंड में ये आपकी स्किन के अंदर कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड लीव इट, आप चाहो तो पूरे फेस पर लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑयली स्किन वालों के लिए, जिनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो पूरे फेस पर लगा सकते हैं। लेकिन जिनके ओपन पोर्स बहुत कम है तो आप सिर्फ वहीं लगाइए जहां ओपन पोर्स ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ इस एरिया में ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं ज्यादातर यहीं पर ही यूज करती हूँ किसी भी टोनर को। एंड अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा कूल है ना, बहुत कूल है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड लाइट सी, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, तो फ्रेग्रेंस के मामले में तो मतलब मुझे पसंद आया। एंड 2 ईयर्स की लॉन्ग शेल्फ लाइफ के साथ ही आता है। और अगर बात करूँ कि इसके जितने द मोम्स को के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं वो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ तो बने होते हैं। इवन दैट इसके अंदर कोई भी पैराबेंस नहीं है, सिलिकन नहीं है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव्ड है, एंड कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इसके अंदर नहीं ऐड किए गए हैं, क्रुएल्टी फ्री है, 100% वीगन है। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग परचेज कर सकते हैं एंड ये आपकी स्किन को जरूर बेनिफिट्स देगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको डिफाइन कर दूं कि जो विटामिन सी होता है वो एवरी स्किन टाइप नहीं होता, बहुत सी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, 85% लोगों को बेनिफिट्स देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्किन्स होती हैं जिनमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ ऐसी मेजर चीजें चल रही हो, तो आप लोग प्लीज एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए।
अगर आपको किसी भी तरह की माइनर सी सेंसेशन लगे तो प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए लगाना। एंड मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को काफी बेनिफिट देगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन दिया गया उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।